आज हम शेयर करने वाले हैं खीर की रेसिपी। तो जिस ट्रिक के साथ मैं खीर बनाने वाली हूँ, उस तरह से आपने आज तक कभी खीर नहीं बनाई होगी। अगर उस ट्रिक से आप भी खीर बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी, और जो भी खाएगा ना वो आपका गुण ही गाएगा। तो मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं और इसे देख लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ दूध लिया है। दूध मैंने 1.5 लीटर लिया था। तो दूध मैंने सुबह सुबह लिया था, तो इसे मैंने उबाल करके दूध को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये दूध ठंडा हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे फिर से गर्म करूँगी और ये जो मलाई है ना, मैं मलाई को निकालूँगी नहीं, मैं खीर इसी में बनाऊँगी। तो आप भी जब भी बनाना खीर में तो मलाई नहीं निकालना। ऐसे क्या होता है कि हमारी खीर बिल्कुल गाढ़ी होती है। तो दूध में अब को हम क्या करेंगे, दूध को अब हम इसे उबालने देते हैं, गर्म होने देते हैं। यानी कि तो खीर में डालने के लिए मैंने यहाँ चावल लिया है। चावल मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है, क्योंकि 1.5 लीटर दूध है तो 200 ग्राम चावल है। तो चावल को मैंने 1 घंटे पहले ही मैंने इसे भिगो करके रख दिया था। चावल अच्छे से जो है कि फूल चुके हैं और मैं इसे तोड़ रही हूँ नाखून से, तो अच्छे से टूट जा रहे हैं। तो आज हम खीर बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो मैं अब चावल को क्या करूँगी आपको दिखाती हूँ वीडियो में। तो यहाँ मैंने ले लिया है पेन, और पेन को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। तो बस घी को हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे ये घी मेल्ट होगा हमारा, तो घी को मेल्ट होने के बाद हमने जो चावल को भिगो करके रखा था ना, तो अब इसका पानी निकाल करके अब हम जो है चावल को पेन के अंदर डालेंगे। ऐसे में क्या होगा ना, जब हम भून करके खीर को बनाएंगे, चावल को जब हम भून करके बनाएंगे ना, तो ये हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। क्या आपने कभी इस तरह की खीर बना करके खाई है? तो आप इस बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इसे हमें चलाते हुए मिक्स करना है, और हमें जो है कि चावल को थोड़ा देर तक इसे हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनने की जरूरत है, बस थोड़ा सा चावल को हम भूनेंगे। तो देखिए चावल को मैंने 1 मिनट तक भूना है। भूनने के बाद चावल भी काफ़ी अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरह से चावल हमारे यहाँ फूल चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमें जो है चावल को भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि दूध में उबाल आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने चावल को भून करके रखा है, अब इसके अंदर हम चावल को डाल देंगे। तो चावल को आपको इतना ही भूनना है कि इसका कलर आपको चेंज नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम पे चावल को भूनना है और इसका कलर बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहने देना है। और चावल को भी डाल करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप कभी इस तरह से खीर बनाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी खीर बन करके तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस गैस की फ्लेम हम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे हम धीरे धीरे खीर को पकाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ इलायची ले ली है। इलायची का मैंने मुँह धो के खोल लिया है। अब इसके अंदर हम इलायची डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट डालो ना डालो, लेकिन इलायची इसमें जरूर डालो, क्योंकि यह हमारे खीर का स्वाद जो है कि दुगना हो जाता है। तो बस इसे हम पकने देते हैं। इसे आराम से धीरे धीरे हम खीर को पकाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो खीर को पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। 4 से 5 मिनट में देखिए काफ़ी अच्छे से चावल हमारे जो है कि पक चुके हैं। तो चावल को हमें और भी गलाने की ज़रूरत है, अभी तो अच्छे से ये गले नहीं है। तो इस वक्त हमें क्या करना है, मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम किशमिश लिया है, इसके अंदर हम इसे भी डाल देंगे और डाल करके मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम गैस को अरे सॉरी खीर को पकाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सा और पकने देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी भी डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है आपको कि ये देखिए, ये चावल अभी बहुत अच्छे से गले नहीं है। जब हम इसमें चीनी डाल देंगे ना, तो चावल को गलते हुए समय ही नहीं लगेगा। तो देखिए और कितनी जल्दी से ये चावल हमारे गल जाएंगे। तो बस इसे हम और पकाते हैं।
तो ये देखिए खीर हमारी जो है बन करके तैयार हो गई है, और इसके चावल मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल एकदम गल चुका है। और जब हम खीर बनाते हैं ना, तो खीर में जब चावल एकदम गल जाता है तभी समझिए कि खीर बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो चावल एकदम से गल चुका है और एक खीर हमारी बन करके रेडी है। तो आप भी इस तरह से और इस ट्रिक से खीर बनाइए तो आपकी भी खीर बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो एक बात और है कि आप खीर में कुछ डालें ना डालें, इलायची ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इलायची जो है डालने से हमारे खीर के स्वाद जो है कि कई गुना बढ़ जाते हैं, एक गुना नहीं कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप भी खीर बनाइए तो आपकी भी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारी खीर की रेसिपी कैसी लगी। फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।